हेलो दोस्तों, आई एम रवि तोमर, यू वॉच ट्रॉस इंडिया। तो भाई आज हम आए हुए हैं कैरावल महिंद्रा और हम दिखाने वाले हैं आप महिंद्रा की अल्ट्रोस G4, मोस्ट अंडररेटेड गाड़ी और सबसे ज़्यादा पावरफुल इस सेगमेंट की। तो इसका हम डिटेल में बात करेंगे और आपको बताएंगे इसमें क्या कुछ आपको मिलता है और क्या प्राइस है। सबसे पहले बात करेंगे इसके फ्रंट से। इस तरह से आपको फ्रंट मिल जाता है, LED प्रोजेक्टर्स रहने वाले हैं और यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स के साथ में, DRLs के साथ में, और नीचे आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो भी सेटअप है आपको, हेडलैम्प और ये इसका पूरा कंप्लीट LED रहने वाला है। इस तरह से बड़ी 7-स्लॉट ग्रिल मिलेगी जो महिंद्रा की सिग्नेचर ग्रिल है, 7 नहीं 6 स्लॉट। तो 7 तो जीप में आते हैं, यहाँ पे से आपको कैमरा मिल जाएगा क्योंकि ये 360 कैमरे के साथ आता है और ये महिंद्रा का पुराना वाले लोगों के साथ में आती है क्योंकि ये पहले लॉन्च हुई थी इस वजह से। बाजू में आपको स्कॉर्पियो दिखा दूँ, बाद में कंपेयर देख बताता हूँ आपको। इस तरह से आपका क्रोम का अच्छा खासा यूज़ किया गया है, एक यहाँ पे क्रोम देखने को मिलेगा थोड़ा सर्टन। और सेंसर, फ्रंट सेंसर, 2 फ्रंट सेंसर दिए हैं विद कैमरे के साथ में, सॉरी 4 फ्रंट सेंसर दिए हैं विद कैमरे के साथ में। नंबर प्लेट की बेसिंग भी दी है, नीचे ग्लोव फिनिश में बम्पर दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा बोल्ड लुक आता है बहुत, मतलब मेरे चेस्ट से आती है गाड़ी ये, तो काफ़ी बल्कि नज़र आने वाली है ये गाड़ी। साइड प्रोफाइल की बात करें, साइड प्रोफाइल पे जाने से पहले आपको वाइपर दिखा दूँ। तो वाइपर इसमें एरोडाइनामिक आने वाले हैं जो कि नॉर्मल वाइपर से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये इस तरह से ओवरऑल आपको गाड़ी की लेंथ रहने वाली है कम्प्लीट। टायर साइज की बात करें तो टायर जो आपको इसमें मिलने वाला है वो है 255/60R18, 18 इंच के अलॉय व्हील्स रहेंगे क्योंकि मशीन कट है और बड़ी प्रोफाइल इसकी मिलने वाली है 255 की। चारों व्हील में आपको डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है आपको कुछ इस तरह से, क्लेडिंग अराउंड व्यू मिलती है जैसे कि SUVs में होती है जिसकी वजह से गाड़ी और भी ज़्यादा मस्कुलर दिखती है। डोर हैंडल्स पे आपको क्रोम का सर्टेन यूज मिलेगा जो कि रिक्वेस्ट सेंसर दोनों ही साइड आपको मिल जाएंगे, ड्राइवर और पैसेंजर दोनों साइड पे। तो गाड़ी बहुत ज़्यादा बड़ी है तो सिंगल प्रोफाइल में काफ़ी दूर जाना पड़ रहा है, मतलब सिंगल प्रोफाइल में लाने के लिए। RBM भी साइज काफ़ी बड़ा है, यहाँ पे आपको कैमरा मिल जाता है, ये टर्न इंडिकेटर, रूफ रेल मिल जाते हैं जो कि फंक्शनल है और इस तरह से आपको विंडो एरिया मिल जाता है। फ्यूल टैंक 70 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाता है, डीजल में ये गाड़ी ओनली आती है, पेट्रोल का इसके इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, नॉर्मल मिलता है बायर वाला। और यहाँ पे सनरूफ मिल जाती है जो कि छोटी है, ज़्यादा बड़ी सनरूफ नहीं आएगी, नॉर्मल आएगी छोटी वाली। और हम चलते हैं इसके रियर में, एक चेकआउट करते हैं रियर की प्रोफाइल। अब रियर की बात करें तो रियर में आपको इस तरह से मिलने वाली है, जो सेटअप है पूरा कंप्लीट मैंने बताया, LED में है, चाहे फ्रंट का ले लो चाहे टेल लाइट ही ले लो, ये रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं, फोगलम, और ये 4-व्हील ड्राइव ऑप्शन है तो हमें 4-व्हील ड्राइव की बैचिंग मिल जाएगी, अल्ट्रोस G4 बीच में नंबर प्लेट की बैचिंग। और रियर एंड बहुत ही अच्छा है, मतलब प्यारा लग रहा है, यहाँ पर आपको वाइपर मिल जाता है और डिफोगर एंड वॉशर एंड हाई माउंट प्रॉब्लम मिल जाती है जो कि स्पॉइलर पे माउंट है और कुछ इस तरह से ओवरऑल मिलने वाला है। कैमरे की प्लेसिंग आपको यहाँ पे मिल जाती है अगेन, और 4 सेंसर मिल जाते हैं बैक में। यहाँ पे भी आपको जो बम्पर यूज़ किया है डुअल टू डुअल में, यहाँ पे मैट है और यहाँ पे ग्लोव फिनिश में क्योंकि काफ़ी सही लग रहा है। तो साइलेंसर यहाँ से नहीं दिख रहा है, हालाँकि नीचे इस साइड पर है जो कि बाहर से विजिबल नहीं होता है इतना ज़्यादा। तो इस तरह से ओवरऑल आपको गाड़ी की प्रोफाइल मिल जाती है एक्सटीरियर में। अब चलते हैं इसके इंटीरियर में और चेकआउट करते हैं इसका इंटीरियर किस तरह से रहने वाला है। हालांकि इतनी गाड़ी की हाइट बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद यहाँ पे फुटरेस्ट वगैरह कंपनी प्रोवाइड नहीं करती, आप आफ्टर मार्केट लगवा सकते हो। तो इसके अंदर तो यहाँ से ओपन किया, डोर काफ़ी हैवी फील होता है क्योंकि बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है महिंद्रा की। अब यहाँ पे देखिए डोर क्वालिटी देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटी है और यहाँ पे पूरा लेदराइज मिलने वाला है पियानो ब्लैक में। और ये बटन्स की स्विच देखो, क्रोम प्लस, कितना अच्छा मटेरियल यूज़ किया गया है यहाँ पे। और ये यहाँ पे मेमोराइज सीट, मेमोराइज के ऑप्शंस मिल जाते हैं यहाँ पे डोर हैंडल, और यहाँ पे अंदर आपको वाटर होल्डर मिल जाता है, ये स्पीकर मिल जाता है, ये ट्विटर है और ये स्पीकर है, 12 स्पीकर इसमें मिलते हैं। और 9 एयरबैग के साथ में ये गाड़ी आती है। यहाँ पे आपको देखिए हिल होल्ड और ये यहाँ से आप बूट ओपन कर सकते हो, कैमरा और ये सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ये हेडलैम्प कंट्रोल मिल जाता है आपको, यहाँ पे सीटिंग आपको मिल जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीटिंग रहती है जो कि आपको यहाँ पे वेंटिलेटरी ऑप्शन के साथ में आने वाली है।
और फुली लेदराइज रहने वाला है। और चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं। इस पर चढ़ना थोड़ा हार्ड है क्योंकि हाइट बहुत ज़्यादा है गाड़ी की, तो इस वजह से थोड़ा चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होगी। अब यहाँ पे सीट इसकी बात करें तो ये हालांकि मैनुअल एडजस्टेबल है, टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही है, होता ही है स्टीयरिंग व्हील। और स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो होल्ड करना ग्रिप में बहुत सही से डिज़ाइन किया गया है। माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं महिंद्रा का लोगो, और इस तरह से MID रहने वाली है। MID हालांकि फुली डिजिटल नहीं है, सेमी डिजिटल रहने वाली है। आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है 7 इंच का, और 9 एयरबैग इस गाड़ी में आते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया। सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है, 5-स्टार रेटेड गाड़ी है। आप इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन और लेदर का अच्छा खासा यूज़ किया हर जगह पे, जो सिलेक्शन ऑफ मटेरियल्स है, मतलब चॉइस है, बहुत सही है। और यहाँ पे बटन फ्रेस थोड़ी मिलती है, तो ये गाड़ी देखने में काफ़ी प्रीमियम और रिच फील होने वाली है डेफिनेटली। यहाँ पे आपको एसी मिल जाता है, डुअल जोन एसी मिलता है, मतलब ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के साइड पे, और USB ऑक्स, और ये 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, और यहाँ पे भी कुछ स्पेस मिलता है। यहाँ पे आपको मोबाइल वगैरह के लिए स्पेस मिल जाता है, और ये ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स है तो ऑटोमेटिक का, और ये फोर व्हील ड्राइव ऑप्शन है तो फोर व्हील का यहाँ पे सब मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल जाती है, यहाँ पे आपको कप होल्डर मिल जाता है, और कप को होल्ड करने के लिए ये भी यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं, जिससे काफ़ी सही है। और यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है, सॉरी यहाँ पे आपको हैंड रेस्ट मिल जाता है, इसके अंदर थोड़ा स्पेस भी है, और काफ़ी चौड़ा बड़ा सा आपको हैंड रेस्ट मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल आपको इस तरह से गाड़ी का फ्रंट डैशबोर्ड दिखने वाला है, जो कि काफ़ी प्रीमियम नज़र आता है इस गाड़ी में। बैठ के लगता नहीं ये महिंद्रा की गाड़ी है, और इतना अच्छा काम किया गया है। बिल्ड क्वालिटी सॉलिड ने बहुत ही ज़बरदस्त आता है। अब ऊपर की बात करें, यहाँ पे आपको माइक मिल जाता है, और ये वेंटी मिरर यहाँ पे मिल जाता है, सनग्लास होल्डर मिल जाता है, यहाँ पे भी वेंटी मिरर मिल जाता है, और ये सनरूफ मिल जाती है। तो ज़्यादा बड़ी सनरूफ नहीं है, बट इतनी सी है, काफ़ी सही है। पूरा ब्लैक इंटीरियर, ब्लैक और टैन कलर का जो भी हुआ है यूज़, जिसकी वजह से जो कॉम्बिनेशन है काफ़ी अच्छा लग रहा है। सीटिंग का कंफर्ट बहुत ही लाजवाब, बहुत ही बेहतरीन है। आप देख सकते हो कंप्लीट 10 कलर में, और बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसका सीटिंग का। तो चलते हैं अभी इसके रियर सीट पे और चेकआउट करते हैं इसके रियर प्रोफाइल। तो रियर का डोर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अच्छा खासा लेदर का यूज़ किया है, पियानो ब्लैक में, जो मतलब टच एंड फील जो टच करते हैं ना तो ही पता चलता है कि क्या यूज़ किया है। मतलब हर जगह सॉफ्ट टच का यूज है, अच्छा मटेरियल, एकदम से टॉप नॉच क्वालिटी का नज़र आने वाला है। यहाँ पे स्पीकर है, और यहाँ पे आपको लाइट मिल जाती है। अब ये लाइट कब काम आती है, जब आप नाइट में सपोज हाईवे पे ऐसे डोर को ओपन किया हुआ है, तो पीछे से आने वाली गाड़ी को पता चल जाता है कि बंद, इस गाड़ी का डोर ओपन है, तो ये काफ़ी सही सेफ्टी फीचर हो जाता है। चलते हैं इसके अंदर और चेकआउट करते हैं। तो सीटिंग का कम्फर्ट काफ़ी अच्छा है। अब जैसे ये मैंने मेरे हिसाब से एडजस्ट किया था, मेरी हाइट 5'6" से इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मुझे इतना स्पेस मिल जाता है। गाड़ी बहुत स्पेसियस है, कम्फर्टेबल है, और यहाँ पर आपको ऐसी वेंच मिल जाते हैं पीछे के लिए, दो टाइप में, मतलब उस जोन के लिए भी और इस जोन के लिए भी। यहाँ पे 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, ये एक USB का ऑप्शन मिल जाता है। तो इस तरह से आपको कुछ नज़र आती है बैक सीट से। यहाँ पे आपको रीडिंग लैंप मिल जाती है, यहाँ पे आपको सेंटर आर्मरेस्ट मिल जाता है, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, तीनों मतलब एडजस्टेबल हैं, जो कि काफ़ी सही चीज़ है। अगेन सीट का कम्फर्ट बहुत ही बेहतरीन है, हालाँकि मतलब आप देख सकते हो सीटिंग बहुत परफेक्ट है। और जैसे डोर देखो, सॉलिडनेस ये देखिए यहाँ पे, तो जो थर्ड है जो फील आता है, मतलब बहुत ज़बरदस्त आता है। तो इस तरह से आपको रियर की सीट मिल जाती है, बहुत कंफर्ट है, कोई भी इशू यहाँ तक आपको नहीं होने वाला है डेफिनेटली। इस तरह से नज़र आने वाली पीछे। तो अभी आपको थर्ड रो पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सिंपल ये इसको ऐसा फोल्ड किया, और यहाँ से आपको इसको प्रेस करना पड़ेगा ऐसे ताकत से, ऐसा नहीं थोड़े बहुत से हो जाएगा, प्रेस करके छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक स्टेड है, आपको ऐसा एकदम से उठाना नहीं है, प्रेस करके छोड़ देना है तो अपने आप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से आप अंदर जाओगे इस तरह से। अब ये सीटिंग जो है एकदम से फ्लोर पे रखी हुई है, तो आपको मतलब जैसे आपकी हाइट ज़्यादा है तो आपको यहाँ थोड़ा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि नॉर्मली दो कुछ गाड़ियाँ होती हैं उनमें सीट को थोड़ा अपलिफ्ट किया होता है, जिसकी वजह से आगे तक का आपको दिखता है। लेकिन यहाँ पे सिनेरियो थोड़ा चेंज है, हाइट ज़्यादा है। अब मुझे तो यहाँ पे, मैं तो कंफर्टेबल थोड़ा हो गया हूँ, लेकिन अंदर था सपोर्ट थोड़ा कम है। अब यहाँ पे एसी वेंट्स मिल जाते हैं ये रे, और चार्जिंग सॉकेट वगैरह नहीं है,
और ये यहाँ पे भी स्पेस भी थोड़ा कम है, तो आपको क्लास्ट्रोफोबिक जैसा थोड़ा फील हो सकता है यहाँ पे डेफिनेटली। बाकी सीट बेल्ट यहाँ पे प्रोवाइड है, सीटिंग का कंफर्ट बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ पे थोड़ा क्लास्ट्रोफोबिक जैसा आपको लगने वाला है, क्योंकि ये एरिया बहुत छोटा है। आई थिंक यहाँ तक दिया होता है इस तरह से तो ज़्यादा बेटर रहता। तो इस तरह से थर्ड रो है, हालाँकि काफ़ी सही है। अब थर्ड रो के बाद में देख चेकआउट करते हैं पीछे स्पेस कितना बचता है। इन करना, इन आउट करना थोड़ा टफ है थर्ड रो पे, वो तो किसी भी सेवन सीटर में होता है। चलते हैं बोर्ड में। तो बोर्ड में कैसा, आपको बटन से प्रेस करना है, उसके बाद में ऑटोमेटिक डोर ओपन हो जाएगा और इस तरह से आपको बोर्ड स्पेस मिलने वाला। ज़्यादा नहीं हालांकि, बट डिसेंट है। यहाँ थोड़ा अंदर है तो यहाँ भी कुछ स्पेस रख सकते हो सामान, और इतना आपको बोर्ड बचता है। अब सपोज हम इसको सीट को गिरा देते हैं, थर्ड रो की रिक्वायरमेंट आपको नहीं है, तो उसके बाद में काफ़ी बड़ा स्पोर्ट स्पेस बन जाता है आपको, जैसे कि आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे बटन है, अगर आप प्रेस करते हो, ये ग्रे वेंडल दिया है, और ये यहाँ पे प्रेस करते हो तो ऑटोमेटिक ये क्लोज हो जाता है इस तरह से। तो गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, बहुत बड़ी है, और ज़बरदस्त मतलब लोग आता है इस गाड़ी का। और पता नहीं कि मतलब मार्केट में इतनी अच्छी गाड़ी की इतनी अच्छी मतलब सेल क्यों नहीं हो पा रही है। इसकी सेल्स में बहुत पीछे है, क्योंकि इसकी कंपटीशन में जो भी है फॉर्च्यूनर वगैरह, वो 15 लाख महंगी आती है ऑलमोस्ट, वो 50 की आती है 35 में उसको। ये वाला पर्टिकुलर वेरियंट आपको 35 में ऑन रोड तक मिल जाएगा, इसके बावजूद इसकी सेल नहीं है। वो चीज़ है थोड़ी मतलब कम मार्केटिंग, लो मार्केटिंग और महिंद्रा। तो आई थिंक महिंद्रा को थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, थोड़ा काम करना चाहिए इसके लिए। इतना अच्छा प्रोडक्ट है और क्यों मतलब इतना ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पा रहा है मार्केट में, तो उसके ऊपर बात करते हैं। इंजन स्पेक्स की, तो इंजन इसमें जो मिलने वाला है आपको 2200 cc का इंजन मिलता है, 178 PS की पावर और 420 न्यूटन मीटर का टॉर्क। इतना हैवी इंजन, इतना पावरफुल के साथ में आता है ये, और ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों के साथ में आता है। एंड इसमें दो ज़्यादा वेरियंट्स नहीं आते हैं, फोर व्हील और टू व्हील दो ही वेरियंट आते हैं। तो ये फोर व्हील वाला वेरियंट है, फोर व्हील टाइप के साथ में। तो पावर वगैरह सब कुछ ज़बरदस्त है, कम कन्वीनियंट और फीच और सेफ्टी फीच भी ज़बरदस्त है, कहीं भी कॉम्प्रोमाइज़ किसी भी चीज़ में नहीं किया गया है, चाहे वो मेटर मटेरियल हो या आपको कन्वीनियंस हो, सेफ्टी हो, या फिर कुछ भी ले लो, आपको कहीं भी कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया है। इस गाड़ी की प्राइस लगभग 28 लाख से 35 लाख के बीच में है, और ये टॉप वेरियंट है, तो ये आपको ऑन रोड लगभग 35 लाख में आपको पड़ जाने वाला है। मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छी डील है, और अगर आप का इतना बजट है और भारी भरकम बड़ी गाड़ी चाहिए, तो ये आपके लिए एक बेहतर चॉइस हो सकती है। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।